नमस्ते भाभी जी। भाभी जी मिलवा देना कभी। किससे मिलवाऊं? परिणीति चोपड़ा से। मैं कैसे मिलवा सकती हूँ परिणीति चोपड़ा से? आपकी बहन है ना वो। नहीं तो? झूठ मत बोलो भाभी जी, कुछ तो लगती होगी वो आपकी। मेरी क्यों लगेगी वो कुछ? पर आपको पता है वो अम्बाला से, पर मेरी कुछ नहीं लगती वो। दिखती तो वो आपके जैसी है बिल्कुल। झूठ बोल रही हो भाभी जी, है ना? मैं परिणीति जैसी लग रही हूँ आपको? हाँ बिल्कुल, डिट्टो कॉपी। उसकी बहन लगती है आप मुझे। उसकी बहन लग रही? हाँ, वही सेम हाइट, वही स्माइल, वही ग्लो करता हुआ चेहरा, बस बॉडी फिट की कमी है भाभी जी। बॉडी फिट मतलब कुछ कमी लग रही है क्या? अरे भाभी जी, बस हीरोइन वाली बॉडी की कमी है आप में। माँ की कसम, बिल्कुल उसकी बहन लगोगी आप। अच्छा चलो भाभी जी, फिर कभी मुलाकात होगी। माई सेल्फ मिस्टर जे जे। ये बॉडी फिट कैसे होती है? क्या हो गया? ऐसी करनी है फिट। तेरी फिट तो है बॉडी? फिट ही तो नहीं है ना। फिट होती ना अगर तो पूरी परिणीति चोपड़ा जैसी लगती। अभी भी कैटरीना जैसी दिखती हूँ। यार मजाक थोड़ी कर रही हो। नीचे ना मुझे एक आदमी मिला था मिस्टर जे जे नाम का, उसने मेरी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, उसको तो ये लगा कि मैं परिणीति चोपड़ा की बहन हूँ। हाँ अब बताओ कैसे होती बॉडी फिट? ऐसे नहीं होती बॉडी फिट, जिम जाती है हीरोइन। तो माँ भी चले जाऊंगे यार, फिट होंगी। अभी देखो कैसी औरत जैसी दिखने लगी हो। फिर फिट हो जाऊंगी तो एकदम हीरोइन जैसी लगूंगी। क्या जुनून सवार हो गया तेरे ऊपर? इतनी अच्छी तो लग रही है तू, क्या जरूरत है तेरे को जिम जाने की? प्लीज मुझे भी ले चलो जिम, करवा दो एडमिशन। यार फालतू के खर्चे हैं कन्नू ये सब। यार प्लीज ले चलो ना यार, और लड़कियां नहीं आती होंगी क्या वहाँ पे? नहीं रहन दे प्लीज। चल ठीक है, कल चलिए सुबह, देखते हैं बाद में। पक्का बताओ पहले? हाँ ठीक है पक्का। हाँ ठीक है। ओके आउट। फैमिली शो है ये। ठीक ही तो लग रही है तू, क्या जरूरत है यार? नहीं ना, नहीं लग रही हूँ ना ठीक। चलो मिस्टर जे जे। जे जे तुम जानते हो इन्हें? अबे हरिचंद रोड पे चाय की टपली है इसकी, कौन नहीं जानता इसे? तू कैसे जानती है? अरे इन्होंने ही तो बोला था मुझे कि तुम परिणीति चोपड़ा जैसी लगती हो। बैठ तो जाओ आप दोनों, एडमिशन के लिए आए हो ना, बैठ जाओ। नाम बताओ और एड्रेस बताओ। ये तेरे जिम्मे नहीं आएंगे हम दोनों। ओए चल। आ तो चुकी हो, एड्रेस बताओ नाम बताओ, फटाक से लिख दूँ। परिणीति जी, भाभी जी बैठो ना जी। बताओ भाभी जी, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर सीधे 1 साल की फीस? एक हफ्ते के लिए है कुछ है ना, बस का पास ले और जाके नौकरी पे झंडे लहरा। बॉडी फिट होने में कितना टाइम लगेगा? भाभी जी आपको लगेगा 3 महीने, पर आप 6 महीने का ले लो, 20% ऑफ है आपके लिए। 20% ऑफ? अरे भाभी जी सुंदर भी तो हो आप, आपको देख के हमारे जिम में और भी लोग आएंगे। ठीक है तो फिर 6 महीने का कर लेते हैं। ठीक है अंदर जाओ, अंदर कोच है वो आपको बता देगा, अभी से शुरू करते हैं। ठीक है तो फिर तुम पैसे दे के सीधा ऑफिस चले जाना, मैं घर पहुंच के बात करती हूं। साले कब से शुरू कर दिया तुमने? बिजनेस है भाई, जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं से प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, सैलरी थोड़ी। ए मेरी नौकरी के बारे में फालतू मत बोला कर, पैसे बता कितने हो? 6000। स्कैनर दे। मेरे को अच्छे से मालूम है कैसे बेवकूफ बना के लोगों को जिम्मे बुला रहा है ना, दिन फंसवा दूंगा साले, अंदर पड़ा होगा किसी कोने में, सड़ रहा होगा जेल के। लिख चल नाम वाम लिख। भाभी जी से पूछ लूंगा नाम और एड्रेस। देखूंगा तुझे साले। भाई एक और भाभी मिली है इधर ही सेम सोसाइटी की, जो लास्ट आपने लड़की भेजी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी, मिलवा देना मुझे भी कभी। किससे? कटरीना से। हैं?
आपकी बहन है ना वो? मैं कैटरीना कैफ की बहन लग रही हूँ?